नमस्ते, मैं अल्ताफ सैयद, पालघर जिले का अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का, ह्यूमन राइट्स का। आज एक और नवा खुलासा लेके आए हैं कि आप सब देख सकते हैं कि बिल्डर लोग आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाती है। अभी जैसे कोपरी में एक बिल्डिंग गिरी, उसमें एक कुछ छोटी बच्ची उसकी डेड हो गई। फिर आप देख सकते हैं नारंगी बाईपास पे जो ये है एक बिल्डिंग है, उधर भी स्लैब गिरा। आज बेचारे गरीब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे क्योंकि उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के घर लेते, अपना आशियाना बनाते, और बिल्डर कच्चा काम करके भाग जाता है, बिल्डिंग बेच के भाग जाता है, और फंसता कौन है? गरीब आदमी। अभी यही मामले में एक रवि शेट्टी है, रवि नारायण शेट्टी करके है, वो भी बिल्डर है, खुद तो मस्त बंगले में रहता है, अपनी गाड़ी गाड़ी में लेके घूमता है, और उसने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया ना कि उसने अनलीगल बांध काम को ये दिया, क्या बोलते हैं, डमी सीसी लगा के पास किया, और जनता को गवर्नमेंट को कैसा बेवकूफ बनाया मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये मेरा लेटर है, मैंने रवि शेट्टी क्या बोलते हैं नगर पालिका को लेटर दिया कि ये अनलीगल बांध काम किया, इस पर डमी सीसी लगाया है। फिर दूसरी बात, मेरे को नगर पालिका ने ना ये लेटर दी, बोली कि उसके ऊपर कोई बांधकाम की परवानगी नहीं है। जब बांधकाम की परवानगी नहीं है तो फिर वो उस पर लोन कैसे पास हुआ? यानी यहाँ कभी रजिस्टर ऑफिस जो है उसने भी कुछ पैसा लेके रजिस्टर किया है, और अभी मेरे को नगर पालिका ने ये लिख के दिया है कि रवि शेट्टी पे MRDP का नोटिस दिया है। ये सब पेतरे क्या है, जूने हो गए, खाली नोटिस देना, गुना कब दाखिल होगा? अभी रवि शेट्टी कैसा एक, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट को फ्रॉड कर रहा है तो भी एक फ्रॉड इंसान है। तो मेरी शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि रवि शेट्टी पे जो भी कायदे कानून से गुना दाखिल होता है, जो उसने लोगों को बेवकूफ बनाया है और क्या बोलते डमी सीसी लगाया है, तो उसके ऊपर जो 420 का गुना दाखिल होता है, 4GB का गुना दाखिल होता है, MRDP जो भी लगती है, वो गुना दाखिल किया जाए और उसकी बिल्डिंग को तोड़क कार्रवाई किया जाए, और जो भी गरीब लोगों का पैसा खाया है उसने, वो गरीबों को उसका पैसे का हक मिलना चाहिए। अभी ये सब मैटर लेके जो है ना, जो भी मेरे पास लेटर है नगर पालिका के, मैं आनंदी नगर का मैटर है जो, और गुप्चापाड़े का जो मैटर है, फिर भातपाड़े का जो मैटर है, फिर फूलपाड़े का जो मैटर है, फिर जो कालगिर नगर का मैटर है, ये सब लेके मैं आयुष साहब के पास गया। आयुष साहब मेरे को बोले कि आशीष पाटिल के पास जाओ, मगर आप लोगों ने देखा था आशीष पाटिल खुद पैसा खाता है, और उसका खुलासा किया था मोहन संके ने, हमने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, उसमें मोहन संके ने खुद बोला था कि आशीष पाटिल पैसा खाता है, हाईवे का पैसा खाता है, हर जगह का आशीष पाटिल पैसा खाता है, तो आशीष पाटिल के पास कौन से हिसाब से जाऊं मैं? वो खुद जब क्या बोलते हैं अतिरिक्त आयोग के चोर है, तो मैं दूसरे के पास कैसे जाऊं? और अभी आयुष साहब भी को बोल के कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि ये लोग के पीछे तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और दूसरी बात कि अभी बहुत से जन का और खुलासा होने का बाकी है, क्योंकि ऐसे बहुत से जो डमी सीसी फ्रॉड है उनका भी खुलासा करने वाला हूं मैं। और मेरी ये गुजारिश है कि जो भी रूम लेते हैं, पहले आप अपने वकील को पेपर दिखाए कि वो चीज लीगल है कि अनलीगल है, क्योंकि आप लोग भी है ना, जो आम जनता है बेचारी एक एक रुपया जमा करती है, कोई फल बेच के, कोई किराने की दुकान डाल के, कोई झाड़ू बेच के, छोटा छोटा पैसा जमा करके बड़ा करके एक घर लेते, और वो बिल्डर जाहिर सी बात है कि अपना बेच के पैसा बेच के तो निकल जाता है, बाद में अगर जो कल को बिल्डिंग टूटती है या कुछ होता है तो उसमें फंसेगा कौन? आम आदमी फंसेगा। ये ओके न्यूज के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भी करो, आप जो भी जिधर भी रूम लो, पहले देखो कि लीगल है कि अनलीगल है। आज की डेट में बिल्डर तो बेच के निकल जा रहा है, आप लोग 8-10 साल के अंदर बिल्डिंग टूट जाती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस।